सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। सरल संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू लर्न द इजी वे संस्कृत। हम आज यूजीसी नेट के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, और भी खास करके संस्कृत के बारे में। संस्कृत में कौन कौन से कोड होते हैं और संस्कृत में कैसे यूजीसी नेट कंडक्ट किया जाएगा, और यूजीसी नेट में संस्कृत की स्थिति क्या है, और इसके लिए हम इसका सिलेबस क्या है, और इसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको मैं सारे चीज़ के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूँगा। आइए फिर हम यहाँ, मैंने वेबसाइट खोल लिया, तो यहाँ मैं यूजीसी नेट करके टाइप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ ugcnet.nta.nic.in का एक वेब पेज, इसमें क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यूजीसी नेट December 2020 एंड यूजीसी नेट June 2021 प्रोविजनल आंसर की लाइव नाउ करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक यूजीसी नेट ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सहयोग से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रही है, और अब तक जून 2021 के लिए अब तक उन्होंने एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम्स कंडक्ट की चुकी है ये यूजीसी नेट। और देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड यूजिंग एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारे चीज़ ये देखिए यहाँ 4th and 5th January 2022 साइक्लोन रीशेड्यूल्ड सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल वर्क लेबर वेलफेयर, ये सारे सब्जेक्ट्स के रीशेड्यूल हुए हैं, तो उनके लिए ये जो एडमिट कार्ड यहाँ डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब ये रहा कि देखिए यहाँ पब्लिक नोटिस में भी आप देख सकते हो कि यूजीसी नेट December 2020 एंड June 2021, मतलब अब हम January 30th है आज, January 2022 में हैं हम। इसका मतलब ये है कि अब तक December 2021 का एग्ज़ाम होने वाले थे, वो अब तक कंडक्ट नहीं किए कोरोना के वजह से, आप खास करके आप उसको समझ सकते हो। तो इसलिए जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और या तो NTA आप कह सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है, और ख़ास करके दिसंबर 2021 के लिए अभी खास करके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाली है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, वो भी एग्ज़ाम्स होंगे, और कोरोना का जो भी है पेंडेमिक अभी मतलब पीछे जा रहा है, तो मतलब कोई आप रिलैक्स होकर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फिर हम संस्कृत के लिए क्या सिलेबस है वो भी देख लेंगे। संस्कृत के लिए कोड संख्या 25 और कोड संख्या 73, ये दो कोड संस्कृत के लिए है, और यूजीसी नेट हमेशा ये दो सब्जेक्ट, मतलब संस्कृत जनरल संस्कृत के लिए 25 कोड, और संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स करके कोड नंबर 73, इन दो कोडों मतलब कोड से ये यूजीसी नेट संस्कृत के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, और उसके सिलेबस के बारे में भी हम समझ सकते हैं। मैं आपको सिलेबस भी यहाँ यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास सिलेबस है 2019 से ये सिलेबस चेंज हो चुका है, तो एक बार उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो कोड नंबर 25 संस्कृत पाठ्यक्रम इकाई फर्स्ट में वैदिक साहित्य, यहाँ वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय दिया गया है, वेदों का काल मैक्स मुल्लर, ए वेबर, जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक,
यम विंटर निर्स और भारतीय परंपरागत विचार, इन सारे चीजों के बारे में, मतलब वेदों का काल, ये इन सभी ने कैसे वेदों का काल के बारे में बोलते हैं, वेदों का काल क्या था, कौन से समय में वेद वेद की रचना की गई, ये सारे चीज आपको यहाँ मिलेगा और मिलेंगे, और इन सारे चीजों के बारे में प्रश्न आएंगे। और संहिता साहित्य, जैसे वेद में ब्राह्मण संहिता, मंत्र, ये सारे चीज आप समझ सकते हो, जान सकते हो, तो उसके बाद बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस क्या क्या है ये देख लेते हैं। संहिता साहित्य और संवाद सूक्त, पुरुरवा ऊर्वशी, क्योंकि वेदों में बहुत सारे संवाद सूक्त है कि मतलब एक दूसरे से बात करते हुए संवाद किए की गए जो मंत्र है, इसमें पुरुरवा और उर्वशी के बीच में जो संवाद है वो है। और यम और यमी के बारे में शर्मा पाणी शर्मा पणि दिए हैं यहाँ, ठीक है। और विश्वामित्र और नदी के बीच में जो संवाद होता है वो भी यहाँ एग्जाम के लिए है, परीक्षा के लिए। ये संस्कृत आप याद रखेंगे, संस्कृत कोड नंबर 25, ये जनरल संस्कृत के लिए है। जैसे आप बी ए एम ए में बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स में जब संस्कृत मेजर सब्जेक्ट लेके आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आप उसके बाद जनरल संस्कृत से जैसे पीएचडी करना चाहते हो तो कोड नंबर 25 आपको चाहिए। और यदि शास्त्रों में जैसे व्याकरण साहित्य, मतलब वेदांत, मीमांसा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे लेके आप आगे बढ़ते हो तो आपको संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 73 कोड से आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। तो फिर आप उसके भी मैं यहाँ सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा, उससे पहले ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, यहाँ वेदांग, 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः करके, तो आप अमरकोश के वाक्य भी स्मरण कर सकते हो, शिक्षा, व्याकरणं, छंदो, निरुक्तं, ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः, वेदांगानि, ये 6 वेदांगानि सन्ति इति। इकाई 2, अध्याय 2 में, दूसरे अध्याय में यहाँ वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन होगी अध्ययन होगा। और निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन यहाँ ऋग्वेद में अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस और पर्जन्य सूक्त, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त है अध्याय यहाँ 34वें अध्याय है, और प्रजापति अध्याय यहाँ 23वें अध्याय है, और अथर्ववेद राष्ट्राभिवर्धनम यहाँ 1.29 दिया है, और काल सूक्त है और पृथ्वी सूक्त है, ये सारे चीज आपको यहाँ मिलेंगे, इनके बारे में प्रश्न भी आ सकते हैं। ब्राह्मण साहित्य प्रतिपाद्य विषय है विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, शूरक्षेप आख्यान और वांग्मनस आख्यान के बारे में भी यहाँ है। और उपनिषद साहित्य में आपको यहाँ प्रश्न आ सकते हैं, निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणों का अध्ययन, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और तैत्तरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये सारे उपनिषद के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। वैदिक व्याकरण निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, ऋक् प्रातिशाख्य के बारे में और निरुक्त के बारे में, यहाँ समान अक्षर उसमें क्या क्या है, परिभाषाएं, समान अक्षर के परिभाषाएं और परिभाषा, और संध्यक्षर क्या होता है, अघोष क्या होता है, सूक्ष्म स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य और रिखित, ये सारी चीज आपको यहाँ मिलेंगे। और निरुक्त में 4 पद है, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ,
और निपात की कोटियां, ये चार पद आपको निरुक्त में, निरुक्त के अध्याय में पूछे जाएंगे। और निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या क्या है ये भी आपको यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। और निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, आचार्य, वीर, हृदय, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस और वैश्वानर, निघंटु, इन सारे शब्दों की व्युत्पत्ति पूछी जाएगी। निरुक्त अध्याय सप्त, सातवें अध्याय के दैवत कांड के बारे में यहाँ पूछे जाएंगे। और उसके बाद वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और तथा स्वरित, और वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन एवं अर्वाचीन। तीसरे अध्याय में दर्शन साहित्य के बारे में प्रश्न आएंगे। प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, इन सारे चीजों के बारे में। चार्वाक दर्शन, यहाँ जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, न्याय दोबारा आ गया, एक न्याय, ठीक है। तो वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई फोर मतलब अध्याय चौथे अध्याय में दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारी के बारे में, उसमें भी पर्टिकुलरली आपको सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य के बारे में पूछा जाएगा। और सदानंद के वेदांत सार, अनुबंध चतुष्टय क्या है, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, लिंग शरीरोत्पत्ति और पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, इन सभी चीजों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह में, केशव मिश्र के तर्क भाषा युक्त अन्नम भट्ट के तर्क संग्रह, इसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण और प्रामाण्यवाद और प्रमेय, इसमें प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द तो आएंगे ही, आप जानते ही हैं। और लौगाक्षी भास्कर के अर्थ संग्रह आएगा। और पतंजलि योग सूत्र में, व्यास भाष्य सहित पतंजलि योग सूत्र में, चित्त भूमि और चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, ये सारी चीज पूछे जाएंगे। बादरायण के ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्राणि, उसमें शंकर भाष्य के साथ साथ प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उसके बाद विश्वनाथ न्याय पंचानन है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली करके उन्होंने उनकी रचना है। अनुमान खंड इससे पूछे जाएंगे। और सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत आपको यहाँ उसके उनके बारे में प्रश्न आएंगे। तो आप इतने सारे सिलेबस देख के डरो मत, क्योंकि प्रश्न बहुत कम होंगे, लेकिन विस्तृत अध्ययन के लिए विस्तृत यहाँ सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है। देखेंगे उसके मतलब सारे पाठ्यक्रम जो है हम कवर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अध्याय पांचवें अध्याय में व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षितः, नागेश भट्टः, जैनेन्द्रः कैयटः, शाकटायनः, हेमचंद्र सूरिः, सारस्वत व्याकरणकारः, ये सारे सामान्य, इन सारे वैयाकरणों का सामान्य परिचय यहाँ पूछा जाएगा। और पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण भी, पारिवारिक मूलक वर्गीकरण भी पूछा जाएगा। और ध्वनियों का वर्गीकरण है, स्पर्श, संघर्ष, अर्धस्वर, स्वर, जो भी है, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में ये सारे प्रश्न आएंगे। मानवीय ध्वनि यंत्र और ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या है, और ध्वनि नियम क्या क्या है, ग्रिम का नियम क्या है, ग्रासवान का नियम क्या है और वर्नर का नियम क्या है, ये सारे पूछे जाएंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण और वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के अंतर, भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई छह
मतलब छठे अध्याय में आपको व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, परिभाषाएं हो, संधि हो, सुबंध हो, समास हो, मैं इसको इन दोनों पीडीएफ को मैं नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, और आप ये सारे चीज़ आप पढ़ सकते हो। संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, यहाँ बहुत सारे चीज है। सुबंध, समास, तद्धित, तिगंत और प्रत्ययांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय हो गया, और कारक प्रकरण हो, परस्मै पद एवं आत्मनेपद पद विधान हो, महाभाष्य हो, और वाक्यपदीयम ब्रह्मकांड का सब चीजें यहाँ पूछे जाएंगे। और अध्याय सप्त, सातवें अध्याय में संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय, उसमें सामान्य परिचय में भास, अश्व घोष, कालिदास आदि बहुत सारे कवि हैं यहाँ। आधुनिक मतलब पौराणिक, पुराने जमाने के जो कवि हैं, तो उनके साथ साथ भास, अश्व घोष, कालिदास आदि जो कवियों के साथ साथ जो अर्वाचीन मतलब अभी नए नए श्रीधर भास्कर वर्णेकर तक जो प्रश्न आएंगे तक के प्रश्न आएंगे, और काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय आदि संप्रदाय पूछे जाएंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, अरिस्टाटल और लॉन जॉन्स, क्रोचे, इन सभी का सभी के बारे में पूछे जाएंगे। आठवें अध्याय में पद्म, बुद्ध चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपा सॉरी पद्य में है, क्षम्यताम, पद्य में बुद्ध चरित में प्रश्न आएंगे, रघुवंश में आएंगे, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, इन सभी पद्यों से प्रश्न आएंगे। नाट्य में स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली मृच्छकटिकम से, गद्य में दशकुमार चरितम, हर्ष चरितम, कादंबरी, इनसे प्रश्न आएंगे। चंपू काव्य में नल चंपू के भाग से, प्रथम उच्छ्वास से प्रश्न आएंगे। साहित्य दर्पण, उसके जो काव्य परिभाषा है और काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन है, शब्द शक्ति है, संकेत, ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना हो, काव्य भेद हो, जो भी हो, तो वो सारे प्रश्न यहाँ आएंगे। काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद आदि बहुत सारे चीज यहाँ दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अलंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा आदि बहुत सारे अलंकार दिया गया है, और ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत से प्रश्न आएंगे, और वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष से आएंगे, भरत नाट्य शास्त्रम का द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय से प्रश्न आएंगे, दशरूपकम से प्रथम या तृतीय प्रकाश से आएंगे, उसके बाद छंद, आर्या छंदस, अनुष्टुप छंद हो, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति आदि, सृगधरा तक सभी जो छंद है तो पूछे जाएंगे। नवे अध्याय में पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र, इसमें रामायण, महाभारत और पुराणों के बारे में प्रश्न, और प्रमुख स्मृति, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति और सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। और दसवें अध्याय में कौटिलीय अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिपि या अभिलेख से गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख और मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, ये सारे प्रश्न आएंगे। इसमें शिलालेख, पुलकेशी द्वितीय का ऐहोले शिला लेख तक, ऐहोल नहीं है, वो ऐहोले है, और वहाँ तक आपको प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। ये सारे 10 अध्याय में बटे हुए हैं, और लगभग आप संस्कृत साहित्य पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें से क्या क्या अध्ययन करना है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन
कौन कौन से भाग है, क्या है, वो सारी चीज हम आगे प्रोवाइड करते जाएंगे। और उसके बाद कोड नंबर 73 में क्या है ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और यहाँ पारंपरिक संस्कृत विषय है, मतलब इसका मतलब है संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। और इकाई 1 मतलब प्रथमे अध्याय पहले अध्याय में वेद के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। वैदिक साहित्य ऋग्वेद संहिता मध्यंदिन संहिता ब्राह्मण स्वरूप आरण्यक पंचमहायज्ञ कूष्मांड होम उपनिषद उपनिषदि श्रेय प्रेयो मार्ग नारद सनत कुमार संवादश्च। नारद और सनत कुमार के बीच में जो संवाद है वो, और गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति छंदसाम परिचय निरुक्ते षड भाव विकारा देवता स्वरूप विचारा रुचाम वही त्रैविध्यम त्रैश्वर्य प्रदर्शनम त्रैश्वर्य प्रदर्शनम और स्वरित भेदा विवृत्ति ही स्वर भक्ति, ये सारे पूछे जाएंगे। और आधुनिक युगे वेदोपयोग और भावी अनुसंधान चिंतनम, भावी अनुसंधान चिंतनम ये भी आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ व्याकरण से प्रश्न आएंगे द्वितीय अध्याय में, पंच संधि और समासः कारकाणि त प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय मत्वर्थीयाः प्रत्यय, ये मत्वर्थ प्रत्यय ये सारे प्रत्यय पूछे जाएंगे। और आधुनिक युगे व्याकरण से उपयोग भावी अनुसंधान चिंतन। प्रश्न है ज्योतिष शास्त्र से नक्षत्र राशि ग्रह दशम भाव नवविध कालमानम और आधुनिक युगे ज्योतिष से उपयोग और अनुसंधान चिंतनम। पुराण इतिहास से चौथे अध्याय में महापुराण सामान्य परिचय पुराण लक्षण और सृष्टि विषय का अवधारण राजतरंगिण्या विषय विचार महाभारते भीष्म पर्व और एवं आधुनिक युगे पुराण इतिहास से उपयोग अनुसंधान चिंतन ये प्रश्न आएंगे। पांचवें अध्याय में धर्मशास्त्र के बारे में धर्म स्रोताओं से आचार विमर्श व्यवहार विमर्श प्रायश्चित्त विमर्श श्राद्ध विमर्श और आधुनिक युगे धर्मशास्त्रों से उपयोग अनुसंधान चिंतन एवं मीमांसा दर्शनात् मीमांसा दर्शन से छठे अध्याय में मीमांसा परिचय धर्मलक्षणम भावना विधि विमर्श षड विध तात्पर्य निर्णय का निर्णायक लिंगानी एवं आधुनिक युगे मीमांसा शास्त्र उपयोग अनुसंधान चिंतनम। और सातवें अध्याय में न्याय वैशेषिक दर्शनम है और वैशेषिक शास्त्र परिचय प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र परिचय पदार्थ विमर्श प्रमाण विचार शाब्दबोध प्रक्रिया एवं आधुनिकयुगे न्यायवैशेषिकदर्शनस्य उपयोगः एवं अनुसंधानचिन्तनम्। वेदांत में आठवें अध्याय में वेदांत संप्रदाय परिचय संप्रदाय का परिचय है यहाँ, क्योंकि यहाँ अद्वैतवाद है द्वैतवाद है विशिष्टाद्वैतवाद है और द्वैताद्वैतवाद है, बहुत सारे यहाँ वाद है लेकिन यहाँ पूछे जाएंगे वेदांत के सारे संप्रदाय के परिचय पूछा जाएगा। और यहाँ तत्त्वमसीति वाक्य विचार है ब्रह्म स्वरूप क्या है विवर्त परिणाम से तुलना परिणाम यो हो तुलना विवर्त क्या है परिणाम क्या है ये सारे पूछे जाएंगे। मोक्ष विचार है वेदांत दर्शन से उपयोग और अनुसंधान चिंतनम। नवे अध्याय में सर्वदर्शन में सांख्य तत्व भारतीय वैदिक अवैदिक दर्शनानि एवं सांख्य तत्वानि अष्टांग योगः समाधि आगमेषु शिव भक्ति स्वरूपम शून्यवादः स्याद्वादः। उसके बाद भक्ति तत्वम आधुनिक युगे सर्वदर्शन उपयोगः भाव्य अनुसंधान चिंतनम ये सारे यहाँ पूछे जाएंगे। और दसवें अध्याय में आपको साहित्य के बारे में यहाँ प्रश्न है साहित्य संस्कृत साहित्य से इतिहास काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजनम वृत्ति विचार काव्य भेदा उपमा रूपक व्यतिरेकादि अलंकारा मालिनी सृग्धरा शार्दूल विक्रीडा विक्रीडितादि
छन्दांसि आधुनिक युगे साहित्य से उपयोग अनुसंधान चिंतनम एवं च 10 अध्याय है। यहाँ भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपको। देखिए आप 25 कोड और ये जो कोड है 73 कोड है, दोनों के सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है, थोड़ा सा अलग अलग है, क्योंकि यहाँ जो शास्त्रों के परिचय है, पारंपरिक संस्कृत विषय, यहाँ डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ जो सिलेबस दिया गया है 25 कोड में, ऊपर ऊपर से प्रश्न आ सकते हैं। जो सिलेबस के अनुसार हम पढ़ते जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा, आसानी होगी और एग्जाम लिखने के लिए। और भी जो भी विचार है उनको लेकर हम अगले वीडियो में यूजीसी नेट के बारे में और जेआरएफ के बारे में, जैसे देखिए यूजीसी नेट और जेआरएफ, नेट मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यदि एक ही एग्जाम में दोनों के लिए आप एग्जाम लिखेंगे, जेआरएफ के लिए भी नेट के लिए भी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड होना है आपको, जेआरएफ मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, फेलोशिप भी चाहिए आपको, इसलिए भी आप क्या करेंगे एग्जाम्स लिखेंगे। क्योंकि यदि आप कैटेगरी से हो, इस साल से देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप 2020 से 2020 से कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर अवार्ड ऑफ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मौलाना आजाद फेलोशिप मिल रही है। और यहाँ बैकवर्ड ओबीसी कैटेगरी के हो आप यदि, तो आपको यहाँ नेशनल फेलोशिप मिल रही है, राष्ट्रीय जो छात्रवृत्ति है, और उसके बाद नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एससी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ छात्रवृत्ति मिल रही है। बहुत सारे सुविधाएं आपको सरकार गवर्नमेंट दे रही है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ के ज़्यादा मार्क परसेंटेज लेना है, मेरिट पे आना है, उसमें आपके कैटेगरी वाइज मेरिट हो, या तो आप जनरल कैटेगरी के कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको क्या है जेआरएफ मिल जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगा। उसके हिसाब से मतलब आपको आज के डेट में लगभग जेआरएफ आप क्वालिफाइड होंगे तो लगभग आप पीएचडी के करते वक्त आपको महीने के लिए 40,000 तक आपको छात्रवृत्ति मिलने की सुविधा है। तो ये सारे सुविधाएं अपनाने के लिए आपको ज़्यादा श्रम तो मेहनत तो करना ही है, कोशिश करना करना है। इसलिए हम सरल संस्कृत शिक्षण से, लर्न द इजी वे संस्कृत से जुड़े रहना, और यहाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। आपके फ्रेंड्स को भी ये बता दीजिए, यहाँ हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, कोर्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, वैसे ही भी वीडियो आते रहेंगे, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष करके हम यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए हम इस बार बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक धन्यवाद।